ये बिस्तर पे बैठ गई है, नींदी आ गई बहू। इधर देख, बोल गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। आप लोग कैसे हैं? आई होप आज भी आशा करती हूँ आप भी ठीक ठाक होंगे। अभी 8:30 हो गए हैं, तो अभी मैं इसको लगी हूँ तैयार, नाश्ता कर लिया, टिफिन पैक हो गया इसका। आज सुबह क्या खाया तुमने? क्या खाया? क्या नहीं नहीं खाया क्या? अभी बनाई थी पनीर की सब्जी और रोटी, और इसने खाई है। तो अभी ये है कि अभी इसको जुकाम अभी तक ठीक नहीं हुआ। ये तो देख लो बच्चे को जुकाम, फिर भी स्कूल भेज रही है। ये बच्चे ना, ये बच्चे खाली जुकाम का बहाना है, जो पूरा दिन घर में करेंगे ना, तो इससे अच्छा आप स्कूल ही जाओ। तो देख लो गाइस, क्या फिर देख लो बच्चे को बीमार, फिर भी स्कूल भेज रही है। मैं हड़ताल करूंगा। तो ये आज मैंने नया स्वेटर पहना है। ये मम्मी ने मेरे को बनाया, इस बार मम्मी ने मेरे को 2 स्वेटर बना के, मेरे पास 10 स्वेटर हो गए हैं मम्मी के हाथ के बने हुए। तो मैं वो स्वेटर पहनती हूँ, कोटी मैं फुल हाफ फुल बाजू काम पहनती हूँ, ज़्यादा मैं हाफ बाजू पहनती हूँ, लेकिन ये नहीं पहनता, मेरे को एलर्जी है। ये नहीं पहनता, मेरे को एलर्जी। कभी ये पहने ना तो अभी ना देखो नानी बहुत सुंदर सुंदर अच्छी अच्छी स्वेटर, मेरे को एलर्जी है। हाँ, इसको एलर्जी है। तो ठीक है गाइस, पहले मैं इसको तैयार कर लूँ। दीदी ने ये 2 बेडशीट दिए मुझे, बोल रही है कि नीतू तू ना एक काम कर, जैसे तूने तकिया कवर बनवाए ना सरहने उस लड़की से मधु से, तो मेरे को भी बना के दे, क्योंकि वो बड़े अच्छे बनाती है, तो ना वैसे ही मुझे बना के दे। अभी 2 बेडशीट हैं, तो उस बेडशीट के कम से कम तीन जोड़ियाँ बन जाएंगी अच्छी। तो अभी मैं, अभी तो मुझे टाइम नहीं है, मैं टाइम निकाल के बाहर को मैं देखूँगी, फिर जाऊँगी तो उसको दे के आती हूँ। बोलती मुझे मैंने भी बनवाया ना, लेकिन एक ही हाथ से सिलाई से खुद बनाया ना, तो इतनी पक्की सिलाई है, जो बाजार ही रेडीमेड लेते हैं ना, तो उनके वो जिप निकल जाती है, फट जाते हैं। तो ये है कि ये मजबूती का काम है वैसे, लेकिन बोलती ये मुझे बना के दे, तो दे आना। तो दीदी देख के, तो मैं बाद में जाऊँगी ये दे के आऊँगी। और अभी अभी मैंने कुछ कपड़े धोए हैं, छत पर डाले कपड़े तो डेली धोते हैं, और ये धोए हैं इन दोनों बेटे के शूज़ मैंने धोए हैं। लेकिन इसमें से ही देखना गाइस, पता चल रहा है कि अभिनंदन के शूज़ कौन से हैं और इसके पापा के कौन से हैं, बिल्कुल नहीं पता लग रहा। क्यों? क्योंकि अभिनंदन मेरा एक नंबर बड़ा ही डालता है। ये देखो कितने बड़े, देखो ये इसके पापा के हैं और ये अभिनंदन के हैं, लग रहे हैं बिल्कुल ऐसे लग रहे हैं जैसे चारों एक ही आदमी के हैं। लेकिन ये दोनों बाप बेटे के शूज़ हैं, देखो। मैं अभी बना रही हूँ मैं साग, आज मैंने साग और चावल की रोटी बना रही हूँ। साग मैंने उसके बाद मैं देखो पर आपको लेके आए थे, तो रात को तो काटा नहीं क्योंकि टाइम हो गया, सहेलों के घर से आते आते थोड़ा लेट हो गए, तो बनाए नहीं। तो मैंने ना अभी सुबह काटा, काट के मैंने उबलने के लिए रखा हुआ है। चावल की रोटी बनाऊंगी, और ये रात कल ना जाते हुए सब्जी ली थी, इसको रखती हूँ। और मेरे पापा ने ये मंगवाए हैं राजमा, तो इसको डब्बे में डालती हूँ। ये किसी लड़के से मंगवाए हैं, ये उधर के पहाड़ी इलाके के राजमा, ये देखो ये वाले राजमा छोटे छोटे ये मंगवाए हैं, तो इनको मैं डिब्बों में डाल देती हूँ। गाई ये कल ऑनलाइन मैंने मंगवाया, और ये ऑनलाइन मुझे बड़ा सस्ता पड़ा, बाजार से ये मुझे महंगा पड़ रहा था, लेकिन मैंने ऑनलाइन मंगवाया तो ऑनलाइन मुझे सस्ता पड़ गया ये। लेकिन बिल्कुल सही यही सेम चीज़ मैंने वो दुकान पे देखी थी, लेकिन वहाँ मुझे वो महंगी लगी। मैंने ना उसमें मीशो पे देखी, तो मीशो में बनाया, लेकिन मीशो से आजकल मैंने जो भी कुछ सामान मंगवाया ना बहुत अच्छा सामान आया, लेकिन ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। ये देखो बिल्कुल 4 कटोरियाँ, अभी इन इनमें मैंने सौंफ डाल के रखी है, अभी एक रह गई है, अभी एक मैं जाऊँगी ना तो वो हरी वाली सौंफ मिलती है ना वो लेके आऊँगी, और इसमें वो वाली डालूंगी। बस ये मुझे बड़ा अच्छा लगता है डाइनिंग टेबल में ये सजाना, जैसे मैंने इनमें भी कुछ खाने के लिए डाल के रखा हुआ है, जब दिल किया कुछ निकाल गया, अभी आता वो खाता, भैया जिसका भी दिल करता निकाल के कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। और ये भी मैंने रख दिया, लेकिन अब इसको कर दूंगी मैं बंद। ये देखिए इस तरह से रखा है ये वाला, अभी इसको रखूंगी यहाँ पे सेंटर में। बस खाना खाया, खाना खाने के बाद यहाँ से सौंफ निकाल के खाओ, और लग भी कितना प्यारा, बिल्कुल क्यूट सा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। देखो डाइनिंग टेबल पे मुझे डाइनिंग टेबल इस तरह से सामान सजाना मुझे बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन ये कि मुझे ठीक रेट पर मिल गया। कल 2 पार्सल आए थे, लेकिन मैं कुछ और सोच रही थी कि शायद वो आया, लेकिन वो जो चीज़ मैंने सोची वो नहीं आया, एक अभिनंदन का मैजिक बॉक्स आया और एक ये आया, 2 चीज़ें आई कल। तो वो चीज़ मंगाई है, वो शायद 2 दिन के बाद आ जाए, कोई क्या पता आज आ जाए। तो लेकिन ये आज कल आया, लेकिन ये मुझे कलर बड़ा प्यारा लगा, कलर भी बड़ा प्यारा और लख भी क्यूट सा छोटा सा है, बड़ा प्यारा लग रहा है। चाहे इसमें आप अचार भी रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो, लेकिन मैंने ना सौंफ रखी है, मैं घर में सौंफ नहीं खत्म होने देती, क्योंकि उन्होंने के पापा भी खाते हैं सौंफ, अविनाश भी खाते हैं, भैया भी खाते हैं, इसमें डाल के रखी है।
बस अगर इसमें एक साथ चम्मच हो जाता ना तो फिर वो ज्यादा अच्छा था, लेकिन ये है कि ये एयर टाइट है, इसमें हवा नहीं जाएगी, इसलिए शायद उन्होंने चम्मच नहीं लगाया साथ में। अभी एक रह गया, एक मैं जो बाजार जाऊंगी तो खारी वाली सौंफ लेके आऊंगी, तब मैं इसमें डालूंगी। मैं गाइस आप भी बताना कैसा लग रहा है। अच्छा पीछे आके देखो कैसे बैठी है, कितनी क्यूट सी लग रही है, गोलू बोलू सी मेरा बच्चा। आई मैं अभिनंदन की एक टी शर्ट निकालूंगी, अंदर से बनियान डालती हूँ क्योंकि सुबह सुबह बहुत ज्यादा ठंड होती है, ये सुबह सुबह बाहर निकल जाती है, तो इसको मैं डालूंगी। ना जूली, ए जूली मम्मा मुझे सोने दो, जूली यही बोल रही है ना, मम्मा मुझे नींद लगी है सोने दो, सो जा। खाना खा रहा है, मैंने क्लोज किया, देखो ये चावल देसी घी, उस आदमी क्या खा रहा है, प्याज और बिस्कुट। ये बिस्कुट क्यों खा रहा है? बिस्कुट नहीं है, हाँ पहले खा रहा था। हाँ प्याज लेके आए ना, डेढ़ कहा प्लेट में डाल दो। अच्छा अच्छा जूली, ए जूली ए बिस्कुट ले, बिस्कुट ले, बिस्कुट उठ जा, सही है क्या? हाँ खा गई, सोई हुई थी ना, ठीक है खा ले खा। ये देखो आज इसने वही हुडी पहनी है जो इसको मैंने ऑनलाइन मंगवा के मीशो से मंगवा के दी है, इतनी मुलायम, बोलता मम्मा बड़ी मुलायम सॉफ्ट है, मैंने कहा चल ठीक है खा ले फिर मैं होमवर्क करवाती हूँ। ये उन्हें बिस्तर पे बैठ गई है, नींदी आ गई बहू, इधर देख जूली ले बिस्कुट, वे कैसे देखती है बैठ गई मम्मा। क्या है जूली ने 20 बच्चे दिए बापरे। अच्छा तूने सपना देख, एक मिनट, तूने जब सपना देखा कि जूली ने 20 बच्चे दिए तो तेरी मम्मा क्या कर रही थी? आपने बोला था कि एक भी नहीं, दो भी नहीं, तीन भी नहीं, चार भी नहीं, 20 बच्चे दे दिए इसने। अच्छा 20 बच्चे दे रही है, तो फिर और 20 पांच को दूध पिला रही है, 15 वो तो पड़े पांच सबको दूध पिला रही है, पांच पांच करके दूध पिला रही है। इसको बढ़ाया कि मेरी जूली के बच्चे हुए, इसको पता नहीं क्यों उतना है बच्चों, तू खुद बच्चा है, तू खुद बच्चा है, क्यूट सा तू खुद बच्चा है। ये देखो बच्चा ही देखो, अंगूठा लगा मेरा चूसने। अभी मैं इसको करवा रही हूँ होमवर्क, इसको मैडम ने दी है वाकिया हिंदी में बनाने के लिए, तो आपको पता ही इसकी हिंदी थोड़ी कमजोर है, वाक्य बनाने में एकदम प्रो, तो मैं इसको बना के दी है, तो अभी ये उतार रहा है। लेकिन ये कि जब फोन चलाना तो खुजली नहीं होती, लेकिन जब पढ़ना हो ना स्कूल का होमवर्क करना है तो फिर बड़ी, फिर इसको खुजली, पीठ पे खा, मेरे बाजू थक रही है बेटा, आज थोड़ी मुझे भी लगता है ठंड की शिकायत हो रही है क्यों, आज थोड़ा कम गया, मैं इतनी कपड़े धो रही हूँ, दो तीन दिन से लगा थोड़ा ज्यादा ही ठंड में, तो बड़ी आज मेरे हल्की हल्की दर्द सी हो रही थी, फिर थोड़ा रेस्ट किया तब जाके फर्क लगा। तो अब मैं इसको करवा रही हूँ होमवर्क, जूली अपने बिस्तर में, लेकिन जूली ने अभी बाहर जाना है, अरे कैसे लेट गई है, मैं दिखाती हूँ कैसे लेट गई है जूली। हाँ जी रिस्पांस करती है, किससे करती है? ये पूछे चे करती है क्या खाया तूने, क्या खाया बेटे, कितना बड़ा मोटी हो गई है। तो गाइज अभी मैं इसको करवा रही हूँ होमवर्क, तो अब मैं ये देखो काम होमवर्क कर रहे हैं, खर्च कर दो, तो नो बस हाथ रखा तो खर्च कर दो। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, आई होप अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है तो प्लीज मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा प्यार दें, और कल नई वीडियो के साथ फिर से मिलूंगी, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।